ये देखे बीजान चाची, देखे कैसे घूर रही है अब मुझे ये। हाँ तो क्या करूँ, आंखों पर पट्टी बांधू, मुंह पर टेप लगा लू कि आप जनाब की शान को गुस्ताखी ना हो जाए। हाँ देखना करा के पता नहीं मुसीबत डाल दी है मेरे गले में और तुम तो अच्छे कमरे में मिलो। देखा आपने बीजान, देखा आपने। क्या करूं बीजान, ये लड़की जरा भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, पूरे खानदान में नाक कटवाएगी हमारी। फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगी, इतनी भी बेवकूफ नहीं है ये, इतनी भी अकलमंद नहीं है, अगर होती ना तो शादी के अगले दिन यूं झगड़ा ना डालती। और मियां तुम भी जरा हल्का हाथ रखो, बीवी को प्यार से नरमी से समझाते हैं। बीजान मैं और कितनी नरमी से बात करे, वो बेचारा, वो लड़की बदतमीजी ही इतना करती है कि अच्छे खासे मर्द का दिमाग खराब हो जाता है। देखो बेटा तुम जाओ, मैं इसे सेट कर लूंगी, वलीमे के बाद मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। जी चाची। मैं नहीं ठीक कर सकती इसे, खुदा के लिए कुछ करे बीजान। हौसला करो, हो जाएगा सब ठीक। देना जरा जिम्मेदारी, सारा हिसाब खराब कर दिया। हाँ वो लगता है कोई नया कारनामा सर अंजाम दिया तुमने फिर। अल्लाह, इल्मे नजूम भी सीख लिया आपने। इल्मे नजूम, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, नई मुसीबत गले में डाल के इसी तरह छुपती फिरती हो तुम। अरे आपके सर की कसम जमशेद साहब, बहुत वड्डा कट्टा खुल गया, यूं समझे कट्टों को हेड मास्टर। या अल्लाह खैर। जमशेद भाई, जमशेद भाई, इसमें से ना नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, हाई बीपी, लो बीपी की दवा निकाल के मुझे दे दे, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, कहीं मैं गलत दवा ना खा लूं। खुदा ना खास्ता कोई खुदकुशी का इरादा तो नहीं है ना। अरे खुदकुशी कौन काफिर करना चाहता है, भाभी ने खुदकुश हमला किया है खुद पर और मुझ पर। लगता है किसी कट्टे के बाप को ही खोल लिया इसने। क्या क्या किया शाना, क्या किया है? जमशेद साहब, मैंने जो भी किया है ना, वो ना मासूमियत और नदानी में किया और बीजान से अड्डा लगा के किया।